Today, we are going to read chapter number 10, An Alien Hand. Tillu and his parents live beneath the surface. Tillu और उसके जो माता पिता है वे जो सतह है जो सरफेस है उसके नीचे रहते हैं ओपे प्लेनेट ग्रह के अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. एक आर्टिफिशियल जो कृत्रिम जो कंडीशन उसके अंडर में रहते हैं उसके तहत रहते हैं. टिल्लू हैज हर्ड एंड रीड. टिल्लू ने सुना और पढ़ा है अबाउट द सन एंड द स्टार, सूर्य और तारों के बारे में. ही हैज नेवर सीन देम, लेकिन उसने उनको देखा नहीं है. टिल्लूज फादर गोज टू वर्क थ्रू ए सीक्रेट पैसेज. टिल्लू का जो पिता है वो एक सीक्रेट जो रास्ता है, एक गुप्त जो रास्ता है, उसके माध्यम से उसके द्वारा जो है ना काम पे जाता है. एंड टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट, और टिल्लू जो है ये सब कुछ जानना चाहता है. अब स्टोरी जो लेसन भी रीड करते हैं. टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे. टिल्लू, कितना प्राय आपको बताया गया है नॉट टू गो दैट वे, कि उस रास्ते से मत जाओ. बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, लेकिन जो डैडी हैं वे प्रतिदिन वहाँ से क्यों जाते हैं. बिकॉज दिस इज हिज जॉब. टिल्लू, ये उसका कार्य है. दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, ये जो रास्ता है ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है, भूमिगत रास्ता है. टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे, टिल्लू का जो पिता है वो प्रतिदिन जाता फॉर वर्क काम के लिए अलोंग दैट पैसेज, उस रास्ते से. एंड एवरी डे, और प्रतिदिन ही कम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और वह जो है उस दिशा से ही वापस आता है. वाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट. वाट ले, द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, भाई जो चीजें उसको जो ना वो फॉरबिडन जो रास्ता है. वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, मतलब कौन सी चीज है जो उस फॉरबिडन जो रूट है उसके अंतिम छोर पर है. नॉट ओनली टिल्लू, केवल टिल्लू नहीं, बट ए ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो लोगों का जो समुदाय है के आदमी हैं वे भी ये जानना चाहते हैं. टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट न्यू परमिटेड टू गो दैट वे. टिल्लू का जो पिता है वो कुछ चुने हुए चुना हुआ व्यक्ति है जो जिसको उस रास्ते से जाने की परमिशन है, उस इजाजत है. द अबो कन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक पैलेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर. ये जो ऊपर की जो वार्तालाप है वो जो है इनवेरिएबली माने हमेशा से किसके बीच में हुई है, घटित होती है टिल्लू और उसकी माता के बीच में. वेन एवर ही इंसिस्टेड, जब वह जिद करता है ऑन फॉलोइंग हिज फादर, अपने पिता का अनुसरण करने की जब वो जिद करता है तो इस तरह की हमेशा ही ऐसी कन्वर्सेशन टिल्लू और उसकी मदर के बीच में घटित होती हैं. टुडे, आज हावर ये पी वाज डिफरेंट, अलग था. टिल्लूज फादर वाज एंजॉयिंग ए सिएस्टा एट होम. टिल्लू का जो पिता था वो क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था. सिएस्टा होता हल्की निंद्रा, घर पर एक हल्की सी नींद का आनंद ले रहा था. एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, और टिल्लू ने मैनेज पर बंद किया वो जो सिक्योरिटी कार्ड था उस पर अपने को गेट होल्ड, उस पर काबू किया, उसको अपने पास लिया. देन तब इवेडिंग एंड वॉचफुल मदर आई. इवेडिंग होता बच के निकलना, इवेडिंग मीन बच के निकलना, और जो है वॉचफुल माने बड़ी उसकी मदर की जो उस पर नज़र होती थी, जो अपनी माँ की जो
देखभाल करने वाली जो उसकी नज़र थी उनसे बच करके टिल्लू मेड हिज वे, टिल्लू ने अपना रास्ता बनाया टू द फॉरबिडन पैसेज। फॉरबिडन पैसेज होता है वो रास्ता जिस पर जाने के लिए आम आदमी को परमिशन नहीं है। तो उस फॉरबिडन पैसेज से, उस मना किए गए वर्जित रास्ते से जाने के लिए जो टिल्लू जो है ना उसने अपना रास्ता बनाया। ये मेटल डोर बेड हिज एंट्री, एक जो मेटल का जो दरवाज़ा था उसने उसके प्रवेश को वर्जित किया। बट टिल्लू हैड वास्ट हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इन टू ए स्लॉट, लेकिन टिल्लू ने अपने पिता को देखा था कि उसने जो ना स्लिप द मैजिक कार्ड, उसने जो मैजिक कार्ड था उसको स्लिप किया था एक स्लॉट के अंदर। ही डिड द सेम, उसने भी ऐसा ही किया। एंड द डोर ओपन नॉइजली, और दरवाज़ा जो ना बिना शोर के खुल गया। ए वेल लिट पैसेज, एक बहुत अच्छी तरह से प्रज्वलित रास्ता, सीम्ड टू बेकन हिम, उसको जो ना बुलाता हुआ, बेकन होता कॉल, उसको बुलाता हुआ दिखाई दिया। स्नेचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, स्नेच माने तो छीनना, उसने जो ना कार्ड को छीना जो बाहर निकला था, दूसरा जो स्लॉट था ना दीवार के अंदर, दीवार के अंदर दूसरे स्लॉट के अंदर से जब वो कार्ड मारा तो उसने जो टिल्लू था उसने उसको स्नेच किया, छीना। टिल्लू स्टार्टेड इज मार्च अलोंग ए जेंटल अपवर्ड स्लोप, टिल्लू ने जो ना अपना जो पैदल चलने का जो कार्य था उसको शुरू किया, जो जेंटल अपवर्ड स्लोप था, हल्का सा ऊपर की तरफ जो ढाल था। फॉर द पैसेज, उस रास्ते से, रास्ता जो है लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट, वो उसको कहाँ ले गया, एक अंडरग्राउंड भूमिगत जो आवास था उसकी तरफ ले गया, टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, जो प्लेनेट था उसके सतह पर। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड, टिल्लू ने आगे देखा, टू सीइंग द सन, जो है टिल्लू जो है सूर्य को देखने के लिए आगे बढ़ा। इफ इट वॉज डे टाइम, अगर दिन का समय, और द स्टार, या तारों को, इफ इट वॉज नाइट, अगर रात है तो टिल्लू जो है, दिन का समय है तो सूर्य, और रात का समय है तो तारों को देखने के लिए आगे बढ़ा। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिसके बारे में उसने सुना था और बहुत ज्यादा पढ़ा था। टिल्लू हैड अंडरस्टूड, बट अलास दैट वाजंट टू बी, लेकिन बड़े दुख की बात है, दैट वाजंट टू बी, ये नहीं हुआ था। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड, टिल्लू ने अनुमान लगाया, द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो सिक्योरिटी का जो प्रबंध था, इन विजिबल मैकेनिकल डिवाइस, जो अदृश्य यांत्रिक जो है जो डिवाइस थी, जो खोज थी, हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, उसने पहले ही उसको का पता लगा लिया था। एंड फोटोग्राफ द समाल इंट्रूडर, और जो है वो समाल जो छोटा जो घुसपैठिया था उसके सब फोटोग्राफ हो गए थे। सेंड द पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, और जो उसकी पिक्चर थी वो सेंट्रल ब्यूरो को भेज दी गई थी। वेयर इट वॉज थोरली चेक, जहाँ वह पूर्ण रूप से चेक किया गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 paces, इससे पहले कि वो 10 कदम भी आगे बढ़ता, ए स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैवीली ऑन हिज शोल्डर, और एक मजबूत हाथ जो है जोर से उसके कंधे पर पड़ा। जेंटली, बड़े प्यार से, बट फर्मली, लेकिन मजबूती से, ही वॉज एस्कॉर्टेड, उसको जो है ना ले जाया गया बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा, बैक होम टू एन एंग्जियस एंड एंग्री मदर, वापस घर पर ले जाया गया एक उत्सुक और निराश मदर के पास। वाइल ही वॉज बींग स्कोल्डेड, जहाँ पर उसको डांटा गया था, ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, ही रिसीव्ड हेल्प, उसने जो ना मदद प्राप्त की थी अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, मतलब अनैच्छिक जो सोर्स थे उनसे उसने मदद प्राप्त की थी। अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर मीन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, प्रिय मुझे इसको कुछ बताने दो, सैड इज फादर, उसके पिता ने कहा, हु हैड जस्ट गोट अप, जो ठीक अभी जो ना उठ गया था। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड, अगर इसको पूर्ण रूप से ब्रीफिंग हो गई इसकी,
अगर इसकी पूर्ण रूप से जो है ना जांच पड़ताल कर ली गई है, ही विल नॉट डू सच ए थिंग्स अगेन, तो ऐसी चीज यह दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, उसने जो है ना ये बताना आरंभ किया। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन ए सरफेस, टिल्लू सुनो मैं जो है ना एक सरफेस पर काम करता हूँ, सतह पर काम करता हूँ। वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, जहाँ पर एक साधारण आदमी, ऑर्डिनरी होता साधारण पर्सन, कैन नॉट सर्वाइव, वो जीवित नहीं रह सकता। बिकॉज द एयर इज टू थिन, क्योंकि हवा जो है बहुत पतली है टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, और जहाँ का तापमान इतना कम है दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, कि आप जो है ना फ्रीज टू डेथ, आप जो है ना जमकर मर जाओगे, मौत हो जाएगी आपकी। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन पिताजी आप जो ना जीवित रहने का कैसे प्रबंध करते हो। सर्वाइव माने जीवित रहना, मैनेज माने प्रबंध करना। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि मैं अच्छी तरह से उपकरणों से सुसज्जित होकर के जाता हूँ। इन ए स्मॉल सूट, इन ए स्पेशल सूट, सॉरी, एक विशेष सूट के अंदर, विद ए रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के भंडार के साथ, आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट, आई कैन कीप वार्म, मैं अपने आप को गर्म कर सकता हूँ, और मेरे जो जूते हैं वो विशेष रूप से डिजाइन किए गए टू मेक इट ईजी फॉर मी, जो मेरे को काफ़ी ईजी करते हैं टू वॉक ऑन द सरफेस, उस सरफेस के ऊपर चलने के लिए मेरे को काफ़ी ईजी फील कराते हैं, मेरे जूते इस तरह से डिजाइन किए गए हैं। वट इज मोर, और क्या है, आई हैव बीन ट्रेंड टू सर्वाइव, मेरे को जो है ना प्रशिक्षण दिया गया है जीवित रहने का, एंड वर्क और काम करने का ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर। भाई मैं जो है ना सरफेस पर जो काम करता हूँ, तो मेरे को उस सरफेस पर काम करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है, और मैं जो है ना मेरे को जो है ना अच्छी तरह से उन्होंने इक्विप्ड, अच्छी तरह से मेरे को उपकरणों से सुसज्जित भी किया है। There was a time when our forefather lived on the surface quite naturally. There was a time, एक समय था जब हमारे जो पूर्वज थे जो सरफेस पर रहते थे quite naturally, मतलब बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। Indeed, वास्तव में they did so, उन्होंने ऐसा किया for millions of years, लाखों सालों तक। But time changed, लेकिन समय बदल गया। द वेरी सन, वही सूर्य, विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सबसिस्टेंस, जो हमारे को जीविका प्रदान करता था, टर्न होस्टाइल, वो थोड़ा सा अनफ्रेंडली हो गया। होस्टाइल मन अनफ्रेंडली, इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली, इसमें जो है ना केवल हल्का सा परिवर्तन हुआ, स्लाइटली मन हल्का सा परिवर्तन हुआ। बट द चेंज वॉज सफिशेंट, लेकिन जो परिवर्तन था ये पर्याप्त था टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का जो बैलेंस था उसको डिस्टर्ब करने के लिए, ऑन द प्लेनेट, इस ग्रह के ऊपर। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले तो जो बर्ड थे एक्सटिंक्ट होता विलुप्त होना, विलुप्त हुए। द एनिमल फॉलोड, उसके बाद जो है ना पशु, द फिश कुडंट बियर इट, जो मछलियां थी वे इसको सहन नहीं कर सकती एनीमोर और ज़्यादा। एदर वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, हम जो है ना हम वी मैनेज, हमने प्रबंध किया है टू सर्वाइव, जीवित रहने का, अपने आप को इस प्लेनेट पर जीवित रहने के लिए हमने अपने आप को सर्वाइव किया है। ओनली केवल बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, अपनी सर्वोच्च तकनीकी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी तो सर्वोच्च तकनीकी। बट लेकिन वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, लेकिन हमारे को फोर्स किया गया, मजबूर किया गया है अंडरग्राउंड भूमि के नीचे, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, कुछ कृत्रिम परिस्थितियों के तहत। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का धन्यवाद, वी कैन जनरेट सफिशियंट पावर, जिसके माध्यम से हम जो ना पर्याप्त ऊर्जा जो है ना उत्पन्न कर सकते हैं टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, अपने जीवन को आरामदायक बनाए रखने के लिए। बट द मशीन विच मेक दिस पॉसिबल, लेकिन जो मशीन है जो इसको संभव बनाती है, मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, वो अवश्य ही बहुत ही अच्छी काम करने की कंडीशन में होनी चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, हम में से कुछ जो सरफेस पर हैं,
आई बिलोंग टू द टीम, मैं उस टीम से संबंध रखता हूँ। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट इज टू कीप वॉच, जिसकी जिम्मेवारी जो है ना नज़र रखने की है ऑन देम, उनके ऊपर, एंड टू सर्वाइव देम, और उनको जीवित रखने के लिए। डैडी कैन आई एंजॉय द टीम व्हेन आई ग्रो अप, डैडी क्या मैं उस टीम का आनंद उठा सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। ऑफ कोर्स वास्तव में इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहें तो, सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। बट फॉर दैट, इसके लिए यू मस्ट बी ए गुड बॉय, आपको एक अच्छा लड़का होना चाहिए। एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, और आपको जो है ना वही करना है जो आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं। हिज मदर हैड, उसकी माँ ने कहा, एज यूजुअल, जैसा कि वो आमतौर पर कहती थी, द लास्ट वर्ड, ये अंतिम शब्दों में। तो बेटे इस पार्ट को रीड करना है, नेक्स्ट टाइम जो है ना नेक्स्ट पार्ट को रीड करेंगे। ओके।